हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पीच स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के बारे में। बच्चों अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 देना है, देखिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है और आपके पास अगर बायो का सब्जेक्ट है, तो आज की ये जो सीरीज है, जो बच्चों हम सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों मैं आपको बता दूँ, इस सीरीज के अंदर आपको कम से कम 8 से 9 या फिर 10 लेक्चर मिलेंगे। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ कितने लेक्चर मिलेंगे, 9 से 10 या फिर 11 भी हो सकते हैं। इन्हीं 3 बायोलॉजी के अंदर आपको ये लेक्चर मिलेंगे और प्रत्येक लेक्चर आपका अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का होगा, 1 से 2 मिनट कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी आपको गारंटी लेना रहेगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर रहेंगे बच्चों, इसमें आपको वो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। देखिए जो भी इसमें टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को, ये ऐसे टॉपिक रहेंगे जो बच्चों पिछले साल जो पेपर हुए हैं, पिछले साल के जो भी पिछले साल के पेपर हैं, इन पेपर का एनालिसिस किया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका एनालिसिस किया गया, कई सारी अनसॉल्व पेपर का एनालिसिस किया गया, उसके बाद में इसके नोट्स तैयार किए गए, उन नोट्स को आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो ऐसे हैं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आपके बोर्ड में आने के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस किया है इस सीरीज का, और आज ये जो आपका लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 2 है। उससे पहले इसमें हम आगे बढ़े, उससे पहले जो भी बच्चों ने कमेंट किए थे, कई सारे बच्चों ने लेक्चर 1 जो था उसके नीचे कमेंट किए हैं, उसमें कई सारे बच्चों ने कहा कि सर क्या अभी हम 90 प्लस ला सकते हैं, तो उसका जवाब मेरी तरफ से रहेगा हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, और वो स्मार्ट स्टडी हम कराएंगे, हमारे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को समझना रहेगा। क्योंकि बच्चों अभी तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास 1 से 1 महीने या फिर 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना जब आपके पास बचेगा, उस टाइम आप गोल हो जाते हो, क्योंकि अंत समय में कैसे मेहनत करना वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। और आप लोग देखा है कि पिछले साल कई बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, चैनल पे पढ़ा हुआ है, इंटरव्यू भी बच्चों का पढ़ा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको लास्ट के महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे करानी है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा बस। तो आप अच्छे से अगर चाहते हैं कि आपको भी बायोलॉजी में अच्छे नंबर मिल जाएँ, तो इसके लिए आपको जाहिर सी बात है मेहनत करना पड़ेगा। और कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हम कोचिंग भी कर रहे हैं, क्या हम सीरीज पढ़ सकते हैं, तो जी हाँ आप लोग पढ़िएगा और इस सीरीज से आप अपना रिवीजन करिएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना समय को वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और आपको एक एक टॉपिक जो भी समझाना है वो समझा देते हैं। देखिए बच्चों जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, वहाँ पर हमने IVF के बारे में पढ़ लिया था, इसको पूरा पढ़ लिया था, और कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, यहाँ तक परखनली शिशु कहते हैं। अब हमें आज शुरू करना है STD। STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, क्योंकि आपके यौन संचारित से जो होने वाले रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यौन संचारित रोग को हम एक शब्द और प्रयोग करते हैं, इनको हम रचित रोग भी कहते हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसमें हम 1-2 रोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, उनको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उन रोग को पढ़ लेंगे, क्योंकि है तो इसमें 4 से 5 और इतना आपके पास समय नहीं है कि आप हर एक रोग को अच्छे से पढ़ पाएं, तो इसीलिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाएंगे। मैंने बताया एनालिसिस करने के बाद जो भी रोग ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं उन्हीं को पढ़ा देंगे हम आपको। देखिए इसमें पहला दिया गया सिफिलिस, यानी कि इसको हिंदी में उपदंश कहते हैं, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप उपदंश जो है ना याद करके सिफिलिस याद रखेंगे, समझ में आएगा। आपका पेपर जो आता है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन होता है, तो आप उसकी अगर हिंदी में लिखा है तो आप इंग्लिश नीचे देख लेंगे, लेकिन अगर ऊपर भी इंग्लिश में इस तरीके से सिफिलिस लिख दिया, फिर आप हिंदी कहाँ से ढूंढेंगे, पेपर में हिंदी में तो लिखा हुआ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर आपको जो भी साज लगे वो आप लोग याद कर सकते हैं। बच्चों मेरी जो आवाज़ है आज शायद थोड़ी दबी दबी आ रही हो, क्योंकि मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख रहे हैं बीच बीच में, मुझे समझ रहे होंगे आप। अब बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ें इसमें ज़्यादा पूछी जाती हैं, किसके द्वारा होता है और इसके लिए कौन सा जो है रोगजनक है वो जिम्मेदार होता है, तो याद रखेंगे। यह रोग जो है सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु, यानी कि जो रोग है सिफिलिस या उपदंश जो है ये किसके द्वारा होता है बच्चों, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी कि जीवाणु को कहते हैं बैक्टीरिया, और विषाणु को कहते हैं बच्चों वायरस और प्रोटोजोन होते हैं। तो क्या होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा जो है सिफिलिस रोग होता है। अब बच्चों इसके लक्षण की बात करें
तो पुरुषों में संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद, देखिए पुरुषों में संक्रमण होता है उसके 9 से 10 दिन बाद पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। स्त्रियों में भी यौन पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। ये 5 से 6 माह बाद दाने पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। और इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप भी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर PNG फॉर्मेट भी मिल जाएंगे आपको, या फिर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए वहाँ पर वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों इसके अगर हम उपचार की बात करें तो बच्चों इसके उपचार में, इस रोग के उपचार हेतु सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। अब ये देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ पर ऐसा नहीं आप पढ़कर किसी को ज्ञान देने लगे। ठीक है, आपका सिर्फ मतलब इतना है कि आपका सिलेबस में है तो मजबूरी में पढ़ाना है और आपको मजबूरी में पढ़ना है, सिलेबस में है, बस इतना ही हम लोगों का रिश्ता है इसके लिए। ठीक है, अगला बच्चों आता है ट्राइकोमोनेसिस। देखिए ट्राइकोमोनेसिस जो है ये सिफिलिस से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ सिफिलिस जो है उसकी अकॉर्डिंग, उसकी तुलना में आपको ये ज़्यादा थोड़ा प्रेफर करना है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आता है, सिफिलिस चाहे कम आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस किसके द्वारा होता है। देखिए ट्राइकोमोनेसिस जो है ये ट्राइकोमोनेसिस बेजानेलिस नामक एक प्रोटोजोन के द्वारा होता है। अब देखिए बच्चों, जो ट्राइकोमोनेसिस है ये किसके द्वारा हो रहा है, प्रोटोजोन के द्वारा हो रहा है। और कौन सा प्रोटोजोन है, ट्राइकोमोनेसिस बेजानेलिस, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन वहीं पर सिफिलिस जो था वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा था, ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक। ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टर लक्षण की बात करें तो ये पुरुषों के मूत्रमार्ग तथा स्त्रियों के यौनिका एक पोषदीय परजीवी है। कैसा, एक पोषदीय परजीवी है। इसके संक्रमण यौन से सफेद रंग का पानी निकलता है तथा पुरुषों के मूत्र मार्ग जो त्याग के समय दर्द और मूत्र मार्ग में सूजन की शिकायत होती है। ठीक है, इन टॉपिक पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको इनको पढ़ा दे रहे हैं, आप इसके नोट्स लेकर रिवीजन कर लीजिए। ये इस जो रोग है, इस रोग के उपचार के लिए ओरियोमाइसिन या टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है वंशागत क्या है, और एक क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब ऐसे टॉपिक जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी यहां तक पूछे जाएंगे। देखिए वंशागत क्या होता है और आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। देखिए जो भी आनुवंशिक हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का, जो भी हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, इन आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना जो है इसको हम आनुवंशिकी कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया जो है वंशागत कहलाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, आनुवंशिकी कहेंगे, तथा यह जो प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। यह चीज आपको याद रखना है। अब बच्चों यहां पर बात आती है कि सर्वप्रथम आनुवंशिक शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो सबसे पहले आनुवंशिक शब्द का जो प्रयोग किया था वो W. बेटसन ने किया था। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फिर बच्चों आता है आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए आनुवंशिकी शब्द प्रयोग तो सर्वप्रथम W. बेटसन ने किया था, लेकिन इसके फादर जो है वो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है, याद रखेंगे। सिर्फ मेंडल भी लिखा हुआ मिल सकता है तो आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल मिल सकता है। तो याद रखना आनुवंशिकी शब्द के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, लेकिन शब्द को प्रयोग किसने किया था, तो वो W. बेटसन ने किया था। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है बच्चों प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, या फिर अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। अभी हम आपको दोनों समझा देंगे अच्छे से, आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करना थोड़ा बच्चों, ए हमारे पास कोई एक पौधा है, इसका कैपिटल टी और ए है एक हमारा स्मॉल टी, इन दोनों के युग्मक की अगर हम बात करें तो इनके हम युग्मक बना लेते हैं। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है एक बार, ए कैपिटल टी हो जाएंगे, ए बच्चों आपका स्मॉल टी हो जाएगा। स्मॉल टी जो होता है बच्चों बौना पौधा होता है, और ए जो होता है बच्चों लंबा पौधा होता है, कैपिटल टी वाला। ठीक है, इनमें जब क्रॉस होगा, संकरण होगा, जब इसमें संकरण होगा तो इस तरीके से इसके साथ में करेगा, फिर इसके साथ में करेगा, इसका इसके साथ में होगा, अब इसका इसके साथ में होगा, अब सेम रेशो निकलेगा अगर आप चेकर बोर्ड से बनाते हैं तब भी। अब यहाँ पर देखिए, इसने सबसे पहले स्मॉल टी, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, अब बच्चों अगर हमारे पास एक जो लक्षण आया वो कौन सा आया है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या है, दो लक्षण है इसमें, एक बौनापन है, ये बौनापन का है, और ए बच्चों हमारा लंबापन का है। ठीक है,
ए बौनापन है, ए हमारा लंबापन है। अब यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या है, अगर हम देखें मेंडल के अनुसार तो हमारा लंबापन जो है वो प्रभावी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब दो तुलनात्मक लक्षण, ये दो तुलनात्मक लक्षण एक लंबा एक बौना है, इन पौधों में क्या कराया, संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो अपना जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाते उन्हें प्रभावी लक्षण। तो पहली पीढ़ी में जो भी अपने आप को दिखा पाएगा, यानी कि अगर वो बौना और लंबे में संकरण कराया जाता है, अगर वो पौधा जो बनता है वो लंबा बनता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है लंबा पर प्रभावी है, और अगर वहाँ पर वो पौधा बौना रह जाता है तो हम कहेंगे बौना पर प्रभावी है, और जो भी नहीं होता वो अप्रभावी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पौधा बना, इसमें लंबापन क्या हो गया हमारा, प्रभावी हो गया मान लीजिए। अब बचा कौन, हमारा बौनापन, तो एक प्रभावी हो गया तो दूसरा कैसा होगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो इसीलिए तो अप्रभावी अगर आपसे डिफिनेशन पूछ लेता तो आप लिखेंगे, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो जो भी लक्षण अपना, तो जो लक्षण जो जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, पहली पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अप्रभावी कहते हैं, इनडोमिनेंट कहते हैं। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जो कि अप्रभावी लक्षण है मैंने डिफिनेशन आपको बता दी, लिख लेंगे एक बार और सुन लीजिए। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में बनने वाले जो पौधे होते हैं उनमें जो भी अपना लक्षण प्रभावित नहीं कर पाते हैं, प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है, संकर क्या होता है, देखिए बच्चों ये जो बना है ए कैपिटल टी या स्मॉल टी, और ये कैसे बना है, कैपिटल और स्मॉल टी में संकर से, तो ये क्या है, यही संकर है। ये बच्चों कैसा पौधा हमारा बना है, संकर है, इसका लंबापन प्रभावी होता है, लेकिन कौन सा लंबा होगा, ये संकर लंबा होगा, ये चीज याद रखना। तो यही चीज है, देखिए क्या लिखा है, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराने पर उत्पन्न संतति को ही संकर कहते हैं, यानी कि जब दो तुलनात्मक लक्षण लेंगे तो उसको उत्पन्न संतति जो होगी वो किस प्रकार की होगी, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संकर कहते हैं, याद रख लेना। ठीक, जीनोम पट्टी पीढ़ी की, देखिए अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को ही हम जीनोम कहते हैं, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं क्रोमोजोम, उन क्रोमोजोम के अगुणित गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम, एक नंबर में पूछा जाएगा। अब बच्चों जीन प्रारूप क्या होते हैं, देखिए एक शब्द होता है जीन प्रारूप और एक शब्द होता है आपका लक्षण प्रारूप, दो शब्द होते हैं, एक जीन प्रारूप और दूसरा हमारा लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप को आप समझ लेंगे, लक्षण प्रारूप आप अपने आप समझ जाएंगे। जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहते हैं इंग्लिश में, और लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप कहते हैं। देखिए किसी लक्षण की जीनी अभिव्यक्त को जीन प्रारूप कहते हैं, कोई भी एक लक्षण है उसकी जो जीनी अभिव्यक्ति होगी, अभिव्यक्ति होगी, उसको हम जीन प्रारूप कहते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा। लंबाई के लाल पुष्प, समान लंबाई के लाल फूलों वाले पौधों का जीन प्रारूप कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर होगा, जबकि विषम युग्मी जीन, हाँ देखिए ये बच्चों अगर दो शब्द हैं, एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल और स्मॉल आर है, एक बच्चों स्मॉल आर है, ठीक है, तीन वर्ड है। देखिए यहाँ पर क्या, समान लंबाई वाले पौधे, देखिए समान लंबाई वाले, यहाँ पर समान लंबाई की बात की है तो कैपिटल वाला शब्द यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया है, देखिए समान लंबाई की बात की गई है, और अगर समान बौनापन की बात की जाती तो हमारा स्मॉल वाला प्रयोग में आता है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, जब जीन प्रारूप, इसमें क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, ये दोनों जीन प्रारूप है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर यहाँ का जीन प्रारूप है। अब बच्चों यहाँ पर ये जीन प्रारूप है, अगर इसका लक्षण प्रारूप हम बात करेंगे, सॉरी बच्चों इसका लक्षण, तो इन पौधों का जो लक्षण है वो क्या होगा, लंबा ही है, लंबा लक्षण प्रारूप इन दोनों का लंबा है, ठीक है, और जीन प्रारूप कैपिटल आर और कैपिटल आर है, लेकिन यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर इसका जीन प्रारूप हो जाएगा, जीन प्रारूप इसका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन इसका जो लक्षण प्रारूप है, सॉरी बच्चों लक्षण प्रारूप, तो इसका लक्षण प्रारूप इसका भी कैसा है, लंबापन, इसका लक्षण भी ये पौधा भी कैसा है, लंबापन वाला, यानी कि ये भी कैसा होगा, लाल फूल वाला, ठीक है, लंबेपन से आप समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से, और ये कैसा होगा, शुद्ध बौना होगा,
इस तरीके से आपको समझ लेना है। जबकि विषम युग्म जी कैसे होते हैं, ए वाले होते हैं, ए कैसे होते हैं विषम युग्म जी, इनका लक्षण प्रारूप तो समान, लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा है, समान तो है नहीं दोनों, तो कैसे हैं विषमान है, विषम है, तो विषम युग्म जी इनको कह देंगे। और लक्षण प्रारूप इनका भी हमारा लंबापन ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जब आप एक से दो बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए बच्चों। अब बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है जहां पर हम डिस्कस करेंगे मेंडल के नियम, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए मेंडल के तीन नियम हैं, आपने पढ़े होंगे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कम पूछा जाता है, तो इसीलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पूछा ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, कम पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को अलग से पढ़ाऊंगा, तो क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दो पढ़ लेंगे, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहते हैं, अब प्रभाविता का नियम जो है, आपने प्रभावी लक्षण जो अभी पीछे टॉपिक पढ़ा है क्या होते हैं, वही नियम यहां पर लागू होता है। देखिए जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, यानी कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में हम संकरण कराएंगे, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में, या इसको हम कह सकते हैं पहली पीढ़ी में, अपने प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं अपने आप प्रभाव को दिखा पाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण जो भी अपना प्रदर्शित कर पाते हैं अपने प्रभाव को, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा इसी नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा था, यहाँ पर शुद्ध बौना था, इसके युग्मक कैपिटल टी इसके स्मॉल टी, इसमें जब संकरण कराया तो हमारा पौधा बना कैपिटल और स्मॉल टी मिक्सअप, यानी कि कैसा बना, संकर बना, अर्थात सभी पौधे संकर लंबे हैं, और यह पर बौनापन अप्रभावी है तथा लंबापन प्रभावी है। यहाँ पर क्या होता है, बौनापन जो है वो अप्रभावी है, अगर इन प्रभाव जो पौधे हैं इनका अगर हम लक्षण प्रारूप देखेंगे तो क्या होंगे, लंबापन होगा, अगर जीन प्रारूप देखें तो विषम युग्म जी होगा, याद रख लेंगे। तो ये हमारा इतना प्रभाविता का नियम है, कोई ज़्यादा हुआ नहीं है, मैंने सरल से सरल भाषा में प्रयोग करने का प्रयोग किया है, और यहाँ पर मैंने वो सारे टॉपिक को लिखा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत बड़ी रामायण दी है, जो कि ना आपके समझ में आएगी ना मेरे समझ में आएगी, तो इसीलिए मुझे जो अच्छे से समझ में आता है वो चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बच्चों दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम। देखिए बच्चों जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, देखिए इसको समझिए। मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में संकर बनने पर दोनों जीन एक साथ आ जाते हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होता है, दोनों जीन जो थे वो एक साथ आ गए थे और कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा था। ठीक है, किंतु उनमें से कोई एक जीन अपने लक्षण को प्रकट कर पाता है, यानी कि उनमें से कोई एक जीन होगा जो अपने लक्षण को क्या कर पाएगा, प्रकट कर पाएगा। होता क्या, जनन द्रव्य में दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, ये बात सही, जो जनन द्रव्य में होता है वहाँ पर दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, और युग्मक बनाते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिस टाइम उनके युग्मक बनाते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात दो विपरीत लक्षणों के इस प्रकार एक दूसरे से पृथक हो जाने को ही मेंडल के पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझिए यहाँ से आपको और भी अच्छे समझ। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कब बने, जो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण कराया F1 पीढ़ी में, तो इनमें से कोई एक प्रभावी था एक कोई अप्रभावी था, लेकिन ये चीज जो थी जो दोनों साथ साथ थे, यानी कि जनन द्रव्य में दोनों साथ साथ थे, लेकिन जब हमने युग्मक बनाया तो ये दोनों अलग है, कैपिटल टी अलग हो गया स्मॉल टी अलग हो गया, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। ठीक है, अब इनमें से जब हम संकरण कराया, इनमें फिर दोबारा हमने निषेचन कराया या संकरण कराया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लक्षण जो हैं अपने आप को अलग कर लिए, जैसे इसमें हमने एक हमारा बना कैपिटल टी, यानी कि जो हमारा शुद्ध लंबा था वो शुद्ध लंबा बन गया, और यहाँ पर शुद्ध बौने बन गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, और कुछ संकर लंबे बन गए। तो यहाँ पर अगर हम इनका जीनोटाइप बात करेंगे तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या आ जाएगा, तो देखिए एक तो शुद्ध लंबा है, ठीक है, दो संकर लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप 1:2:1 आ जाएगा, वहीं पर फिनोटाइप लक्षण प्रारूप होता है, जीनोटाइप जीन प्रारूप, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। ठीक है, लक्षण प्रारूप क्या होगा, देखिए ए भी लंबापन है। अगर इन दोनों पौधों को अगर आप बाहरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों तीनों आपको लंबे दिखाई देंगे, लेकिन ए आपका बौना दिखाई देगा, तो इसका जो लक्षण प्रारूप होगा 3:1, यानी कि 3 तो लंबे एक हमारा बौना है। तो यहाँ पर क्या बात है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हमने आपको क्यों पढ़ाया,
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि मेंडल के दूसरे नियम का पृथक्करण का नियम जो है इसका जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा भी गया है। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर के अंदर जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछिएगा। अगर हो सकेगा तो उसका डाउट हम आपको उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। अगर अच्छा डाउट हुआ तो उस पर हम फुल वीडियो बना देंगे। और अगर कोई ऐसा जेन्युइन डाउट हुआ तो वहीं पर आपको जवाब भी दे देंगे हमारी टीम के द्वारा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जिन भी स्टूडेंट को इस सीरीज की जरूरत है उसके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।